आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, गोलाघाट में स्वागत है बोलो कि न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकसभा के चुनाव बुझाता कि अब शुरू हो गई बा। एकरा पहले चुनाव के गहमागहमी रहे, सीट शेयरिंग रहे, अलग अलग तरह के बात रहे, लेकिन अब बुझाता कि चुनाव पूरी तरह से फुल ऑन हो गई बा। एकरा पीछे कारण बा, कारण ई बा कि अब लालू प्रसाद के बयान आवे लागल, राबड़ी देवी के बयान आवे लागल और वो बयान पर कोर्ट भी होके लागल। ऐसने बयान जना से बिहार के राजनीति गर्म हो गई बा और बिहार के राजनीति जब गर्म हो जाला तो बुझाला कि चुनाव आ गई और बिहार से ही पूरे देश भर में पता चलला कि चुनावी माहौल बा। चूंकि बिहार के लोग चुनाव के पूरा तरह से मजा लेवेला या कहीं तो जागरूक होकर के संदेश देवेला देश भर में कि देश के मिजाज का बा। बिहार के मिजाज से देश के मिजाज के आकलन होला कि चुनाव कितना तेजी से आगे बढ़ रहा बा। प्रथम चरण के चुनाव से पहले पूरा हर तरफ से हर पार्टी और हर गठबंधन अपन पूरा जोर अजमाइश करता, खास करके दू गो लोग के भविष्य के फैसला होना बोलू। लेकिन ये भविष्य के साथ साथ जो तैयारी चल रहा बा आरजेडी के तरफ से और महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के तरफ से वो सीधे नजर आवता। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार चुनावी दौरा करता है, लालू प्रसाद पर हमला करता है और लालू प्रसाद के राजनीति के हासिए पर लेता है, लालटेन के कहता है कि अब कोनो जरूरत ही नहीं है, पूरा देश भर में या कहीं तो बिहार भर में, बिहार के गली गली में हर घर तक बिजली पहुंचा दिले पड़े। अब स्थिति ई बा कि उनका कहना बा कि लालटेन के कोनो जरूरत ही नहीं है। यह बात पर लेकर के लालू प्रसाद ट्वीट के लिए बड़े, अब लालू प्रसाद ट्वीट के लिए बड़ा तो ई मत समझ ले कि कहीं से नाजायज भाई बाबू जेल से बात करे वाला बात नहीं है। लालू प्रसाद ये बात पहले ही लिख दिले बड़े कि हमारा ट्विटर हैंडल, जब तक हम जेल में बानी या अस्पताल में बानी तो हमारा ट्विटर हैंडल जो बा वो हमारा से मिले वाला लोग आवत रहे, उनका संगे हम विचार साझा करता नहीं और जाके बतावत रहे तो हमारा ऑफिस से हमारा ट्विटर हैंडल चल रहा बा। एकरा से कहूं गलतफहमी मत पाले कि हम जेल में बैठ करके ट्विटर चलावत नहीं। तो बात क्लियर हो गई। अब ट्विटर हैंडल पर उनका एक बड़ा बढ़िया ट्वीट आई बोलुए, वो ट्वीट जुड़ा बोलुए कि राबड़ी देवी के एक ट्वीट के वो रीट्वीट करते हुए कुछ लिखले बड़े, का लिखले बड़े वो लोग सुना देता नहीं। लालू प्रसाद लिखता रहे, सबसे पहले राबड़ी देवी के ट्वीट सुन ली। राबड़ी देवी लिखले बाड़ी कि तीनों लोग चारों युगों और समूचे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे झूठा आदमी है तो वह है नरेंद्र मोदी। ये बात रोलों के पहले भी हम बतैले रही, लेकिन प्रासंगिक ऐसे हो गई बा कि बात के अब राबड़ी देवी के ट्वीट के लालू यादव ट्वीट करे लागल बड़े, रीट्वीट करे लागल बड़े। पूरे दिन बकबक राबड़ी देवी कहता रही कि पूरे दिन बकबक बड़बड़ गड़बड़ काम के कोनो बात नहीं है। देखिए हमारे भोजपुरी आ गई, लालू प्रसाद भोजपुरी है, भाषा भाषी क्षेत्र का है, भोजपुरी में हम खबर सुनाई ले तो हमारा खातिर तो जरूरी थोड़ा सा खुशी वाला बात बा कि भोजपुरी में जब केहू बोलेला तो बड़ा खुशी होला। अब एकरा के रीट्वीट करते हुए राबड़ी देवी के ट्वीट के लालू प्रसाद लिखता रहे, इन लोगन के दिन भर कोनो काम नहीं खे, आपन 5 साल के हिसाब नहीं खे दे, बाकी दूसरा के हिसाब मांगता, ये दिन भर दूसरा के फंसावे और गाड़ी देवे में माहिर बा, एकरा के ऐसन गढ़ा में रउआ सब फेंक दी ताकि दोबारा दिखाई ना पड़े। ये तो रुआ लालू प्रसाद के ट्वीट सुन लेनी, लेकिन लालू प्रसाद के ट्वीट के जवाब एगो ऐसने भारतीय जनता पार्टी के बड़ी कड़े नेता दिले बा, जिनका के हार्डकोर नेता कहा जाला और उनका के माना जाला कि उनका बात में आग बरसेला। वो हवे बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे, गिरिराज सिंह बाढ़ लेकिन गिरिराज सिंह थोड़ा शांत बाढ़ ऐसे कि उनका के जगह बदल दिया गई बात, वो अपने बेचारे जगह भी सेट करे के फेराम पड़ बा। अश्विनी चौबे लिखत अरे जेल में है, लालू प्रसाद के ट्वीट के बाद लिखत अरे जेल में है, शरीर साथ नहीं दे रहा पर लबरई और थेथरई से हार नहीं मान रहे लालू, भ्रष्टाचार में पूरा परिवार आकंठ डूबा है पर ताव ऐसे दे रहे हैं जैसे संपत्ति कमाए हैं, कांग्रेस राज में संपत्ति जुटाने से भूख नहीं मिटा
तो चारा तक चट कर गए। मोदी राज में लूट का छूट नहीं मिला तो भौकभौकी बढ़ रहा है। देखिए शुरू हो गई बात, रुवालोग से पहले बतौले रही कि भोजपुरी ऐसा भाषा है जो बड़ी दूर तक ले असर करेला जी, प्रशासनिक भाषा है, सावधान बिस्तरा में भी जोड़ल जाला और राजनीति में भी भोजपुरी के एगो अलग रंग आ गिल बा, अलग तासीर आ गिल बा। अब देखी एक रिएक्शन का होते हुए फिर अश्विनी चौबे के ट्वीट के बाद आका उकर असर होता और एकरा पर कितना एनडीए और महागठबंधन के दल चढ़ा करे देखे वाला बात हुई। आज के सबसे ज्यादा हॉट खबर यह बात कि भोजपुरी में दोनों तरफ से यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से वार्तालाप शुरू हो गई बात सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर जैसे ही अपडेट होता है वो लोग से फिर जुड़ता नहीं, गोड़ लगाता नहीं, सब्सक्राइब करे वाला काम जारी रहे और घंटी भी दबे ऐसे कि चुनाव में सबसे सटीक और सबसे पुख्ता खबर खूटा ठोक के जब भेटाई यही जो भेटाई भारत लाइव पर। गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।